Hey, what's up guys? So this is our part two of gold mine series. Yes guys, ये gold mine ही है क्योंकि ये email marketing आपको काफी ज्यादा पैसा दे सकता है, right? अगर आप इसको सही way में करना सीख गए तो. अब यहाँ पर guys आपको part one में मैंने बताया था कि कैसे email marketing work करता है, right? कैसे उसका पूरा process है. तो अगर आपने part one नहीं देखा और भूले भटके इस channel पे आ गए हो तो make sure कि आप जाके part one ये वाला part जरूर देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे email मार्केटिंग वर्क करता है. एंड नाउ गाइस, अगर आप पुराने मेहमान हो चैनल के, आप चैनल को जानते हो, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है. और सबसे बड़ी चीज गाइस, बहुत सारे लोग बाहर से जो हमारे मेहमान है वो आते हैं, वीडियोस को देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो 87% लोग जो बाहर से आके वीडियोस को देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, बिकॉज आपको यहाँ पर मिलती है वो वीडियोज जिससे आप काफी ज्यादा लर्निंग कर सकते हो फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो इंटरनेट पे. तो मेक श्योर ये काम आप जरूर करो. तो आज की वीडियो में जो अपना सेकंड पार्ट है ईमेल मार्केटिंग का, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज है सिंगल पेज वेबसाइट, जिसको आप ओटीपी इन भी बोलते हो, इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है और बहुत ज्यादा इजी क्रिएट किया जा सकता है, राइट? आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग नहीं आना चाहिए, राइट? पहले के जब 2008 या 2007 के समय में अगर जाओ आप, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कोडिंग सीखते थे कि मुझे वेबसाइट बनानी है, ये करना है, वो करना है. तो अब इस चीज की जरूरत नहीं रहती है, राइट? अब आपको टेक्निकल नॉलेज इतना ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो सिर्फ ये स्पेशली ये सब चीजें बनाने के लिए होते हैं, राइट? तो उनमें से ही एक सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को बना सकते हो, और वही सॉफ्टवेयर आप भी यूज करो मैं बोलूंगा, बिकॉज वो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है. आप नीचे लिंक है, आप जस्ट वहां पर जाओ, क्लिक करो, लिखा होगा बिल्डर लिंक, तो आप जाओ, जस्ट क्लिक करो, वहां से उस सॉफ्टवेयर में साइन अप करो और स्टार्ट करो ये बनाना. कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ. सो सबसे पहले मैं उस सॉफ्टवेयर पे आपको ले चलता हूँ सॉफ्टवेयर, राइट? एंड मेक श्योर गाइज, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज वीडियोज मिलेंगी, और आप जाके अपना प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पे वो जाके चेक करो, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मोर वीडियोज चेक करो, मोर इन्फॉर्मेशन लो और मोर अर्निंग करो, राइट? तो यहाँ पर आप जैसे आ जाओगे, जैसे आप साइन अप कर लोगे इस सॉफ्टवेयर में, इसका नाम बिल्डरल है, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी. जैसे साइन अप कर लोगे, फिर उसके बाद लॉग इन करके आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है? लॉग इन करने के बाद देखो, इसमें फोर वेज आपको वेबसाइट बनाने के लिए दिए गए हैं, राइट? फोर वेज. तो सबसे पहला वेज जो है वो पिक्सर परफेक्ट है, और उसके बाद आपको चीता ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, उसके बाद आपको बिल्डर कैनवा मिल जाता है, और आपको एक और मिल जाता है वर्डप्रेस. अब बहुत सारे लोगों को एक डाउट हो सकता है कि वर्डप्रेस जो है वो हमें अलग से भी मिलता है, राइट? तो जब आप वर्डप्रेस को अलग से मतलब यूज करोगे बिना इस सॉफ्टवेयर के, राइट? बिकॉज ये इसमें इंटीग्रेट है, तो आप डायरेक्ट यहां से वर्डप्रेस को यूज कर सकते हो. बट अगर आप सीधा वर्डप्रेस को यूज करने जाओगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग प्लस डोमेन दोनों खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार रुपए हो सकती है होस्टिंग प्लस डोमेन की, राइट? बट अगर आप यहां से यूज करोगे तो यहां पर सिर्फ आपको अपना डोमेन लगाना होगा, वो भी जब आप लगाना चाहते हो तब, अदरवाइज यू डोंट नीड, राइट? यू कैन सी यहां पर मैंने अपना डोमेन भी नहीं लगाया है, ये मुझे बिल्डर की तरफ से ही मिला है जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट? तो आप चाहो तो यहां से सीधा आप यूज कर सकते हो वर्डप्रेस को भी, बट मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट जो इनका चीज है That is called Cheetah Drag and Drop Website Builder. तो Cheetah Drag and Drop Website Builder specially funnels, landing pages, one page OTP इस type के pages के लिए बनाया गया है. बहुत ही ज्यादा fast, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और काफी ज्यादा उसमें सुविधाएं हैं. तो यही चीज मैं आपको भी बोलूंगा कि आपको भी रेफर करूंगा कि आप इसको यूज करो, जिसका नाम है Cheetah Drag and Drop. यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, वो सारे टूल्स जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जरूरत है, राइट? बहुत सारी चीजें. तो आज मैं आपको Cheetah Drag and Drop वेबसाइट बिल्डर में ले जाता हूँ और बताऊंगा. तो यहाँ पर गाइस हमको एक नया, राइट, नया हमको एक क्रिएट करना है. तो यहाँ ऑलरेडी मेरे कुछ फनल्स और पेजेस रन हो रहे हैं. तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूंगा, सबसे पहले क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू पे, राइट? आपको देखना है कि कैसे आप भी क्रिएट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई भी टेंशन नहीं है. लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो अभी मेरे पास मुझे बनाना है कि एक फेसबुक ईबुक, फेसबुक एड्स ईबुक के लिए मुझे एक
ऐसा ओटीपी इन पेज चाहिए, ठीक है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बनाना, कि आप भी कैसे बना सकते हो। मैं फेसबुक एड्स ईबुक के लिए बना रहा हूँ, आप अलग अलग चीज के लिए बना सकते हो, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है? और ब्लैंक टेम्पलेट, तो लेट्स गो। जस्ट हम लोगों ने पहला स्टेप पार कर लिया है, एंड अब देखो ये अंदर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर आप अपने पेजेस बना सकते हो, आपको जितने भी पेज चाहिए, बट वी वॉन्ट ओनली वन पेज, ठीक है? तो ये होम को हम लोग एडिट करेंगे, होम पे क्लिक करूंगा मैं। देखो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने वेबसाइट को लॉक भी कर सकते हो आप चाहो तो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर आके और इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा, बट यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ये बस बनाना बता रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है? तो हम लोग होम को एडिट करेंगे, क्योंकि वी वॉन्ट ओनली होम, कि हमारे पास होम आए जहाँ पर हम लोग सिंगल पेज की एक इस तरह की वेबसाइट बना पाए, राइट? इस तरह की, इसको बोलते हैं ओटीपी इन, या तो सिंगल पेज वेबसाइट भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारी अलग अलग बातें अलग अलग लोग, राइट? अब बस मतलब यही है कि सिंगल पेज रहेगा जहां पर आप डाटा कलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था ईमेल मार्केटिंग है। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद देखो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप एड पैनल्स कर सकते हो, एलिमेंट को यूज कर सकते हो, पेजेस को यूज कर सकते हो, अलग अलग हेडलाइन एंड ऑल, एंड यहाँ आपका पर्सनल जो भी चीज आप यहाँ पर डालना चाहो एड पैनल्स यहाँ पर आप कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं डाला बिकॉज यहाँ बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, राइट? तो ऐसा जब मैंने बोला था कि आपको बनाने के लिए कुछ लोगों को वैल्यूएबल देना पड़ेगा, जब तक आप कुछ लोगों को वैल्यूएबल नहीं दोगे वो आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, राइट? जैसे कि क्या होता है, जब हम लोग मोबाइल नंबर को एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ, तो वो शायद हमारा दोस्त होता है, या हमसे कुछ उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना रहता है, या कुछ भी काम रहता है, राइट? तब हम मोबाइल नंबर अपना एक्सचेंज करते हैं। वैसे यहाँ पर भी होता है, जब आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड कराओगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, तो आपको लास्ट वीडियो देखना ही पड़ेगा, राइट? तो अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूएबल दूंगा लोगों को, तो मैं क्या दूंगा, ये देखो मैंने एक यहाँ पर बनाया है ईबुक कि कैसे फेसबुक एड को सेटअप किया जाता है, राइट? तो यहाँ आप देख सकते हो ज्यादा बड़ी ईबुक नहीं है, ये 7 से 8 पन्ने की ईबुक है, सो यू कैन सी। तो ऐसे करके आप भी ई बुक बना सकते हो। अगर आप ई बुक नहीं बना सकते हो, सो आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है? आप व्हाट्सअप करो, मेरी टीम का एक मेंबर है जो ई बुक बनाता है स्पेशली, मैं उसका नंबर आपको दे दूंगा। आप बहुत ही कम कीमत में, $5 में, $10 में उससे अच्छी खासी ई बुक बनवा लोगे, ठीक है? वो आपको पूरा ई बुक बना के देगा, बस आपको काम क्या करना है, आगे आपको अपना ईमेल कलेक्शन करना है, चाहे वो पेड एड्स के थ्रू या फ्री मार्केटिंग के थ्रू, राइट? तो ईबुक आप उससे बनवा सकते हो, अदरवाइज आप खुद ही बना सकते हो। तो ये मैंने बनाया है, इसके लिए मैं ये ऐसा एक पेज बना रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन कर लिया है, जो चीता बिल्डर का पेज है, यहाँ पर एडिट पे मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो गया, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर मुझे एक ओटीपी इन पेज लेना है। तो पैनल्स में चलते हैं एंड ओटीपी इन चेकआउट पेजेस पे, सॉरी ओटीपी इन पेज को ढूंढते हैं। तो ये रहा आपका ओटीपी इन बैनर्स, ठीक है? तो ओटीपी इन बैनर्स देखते हैं कौन से ओटीपी इन बैनर्स हैं अपने पास, उसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ से आपको डायरेक्ट अच्छे खासे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा हाईली यूजेबल और हाईली रिजल्ट रिजल्ट देने वाले पैनल्स होते हैं, सॉरी और थीम्स होते हैं, राइट? तो ये हम लोग किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं पैनल में, कॉल टू एक्शन है, कंटेंट है, फुटर है, मतलब बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें जो आपको एक्सप्लोर करने में आई थिंक महीनों लग जाएंगे, राइट? तो आपको जो जरूरत है आप यहाँ से उठा सकते हो। तो ओटीपी इन बैनर्स में से, जैसे कि ऐसे बैनर्स जो होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर टेम्पलेट बने होते हैं, ओटीपी इन बैनर्स में से ये चीज मैंने उठाई है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ, राइट? एडिट में देखो कॉपी राइटिंग का यूज होता है, कि आपको कितना कॉपी राइटिंग आता है। कॉपी राइटिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा। कॉपी राइटिंग इट्स मीन कि आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, राइट? तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग की काफी सारी चीजें हैं, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप कमेंट करके बताओ कि आपको उस पर वीडियो चाहिए क्या, कि कॉपी राइट में मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं, राइट? तो अब यहाँ पर मैं इसको सीधा एडिट करूंगा एंड आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स लेट मी एडिट नाउ। सो गाइज दिस इज रेडी, राइट? टोटली रेडी। सो मैंने क्या किया, मैं पहले सबसे पहले बता दूं आपको, यहाँ मैं पैनल्स में गया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये जो इसका बैकग्राउंड है उसको ऐड किया यहाँ पर, ठीक है? एंड उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया ओटीपी इन, राइट? ओटीपी इन बैनर्स यहाँ पर क्लिक करके मैंने उसको सेलेक्ट किया
एंड देन उसके बाद मैंने इसको एडिट किया, बहुत ज्यादा सिंपल, जस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं एंड देन आप उसको ऐड करते हो, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई मैंने इनर बैकग्राउंड से, यहाँ पर एक ऑप्शन है इनर बैकग्राउंड का, जस्ट आपको उसमें क्या करना है ऐड कर देना है, राइट। तो इनर बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज लगाई जिसमें लिखा हुआ है फेसबुक एड्स और पीछे करके एक लैपटॉप बना हुआ है और एड्स लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये चीज लगाया, ये पैनल जिसमें आप लोगों का नेम और ईमेल कलेक्ट करोगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एड्स में जाओगे, एड में एलिमेंट में जाओगे और यहाँ पर आपको ईमेल का मिल जाएगा पूरा, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रिड्स मिल जाएंगे और आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। और नीचे यहाँ पर पूरा आपको जो भी कोई राइट्स हैं इस कंपनी के थ्रू वो आपको यहाँ पर मिले रहते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये आपका वन पेज बन चुका है, वन पेज जो आप बोलते हो वेबसाइट, ये आपका रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर वन पेज वेबसाइट को थोड़ा सा प्रीव्यू करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसा ये देखने में है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू आप लोग देख सकते हो, राइट, ये प्रीव्यू आप देख रहे हैं आपको। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लोग यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, अपना नेम डालेंगे, अपना ईमेल डालेंगे और गेट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे वो आपको अपना ईमेल दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप उनका ईमेल आप तक पहुंच जाएगा। अब कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको और ईमेल के साथ इंटीग्रेट करना है और कैसे सीक्वेंस को सेटअप करना है, ठीक है। बट अभी अभी कुछ चीजें बाकी हैं, लाइक आपको जैसे कि ये होम पेज बन चुका है, अब हम लोग मेन जगह जाते हैं जहां पर इसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश कर दिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है पब्लिश, ये सारी साइट्स पब्लिश है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करता हूँ तो आपको ये पूरी साइट दिखेगी। देखो मैंने कोई भी यहाँ पर डोमेन नहीं लगाया, सॉरी एक सेकेंड, इसको फिर से पब्लिश करना पड़ेगा। ओके, मैं इसको फिर से पब्लिश करता हूँ, बट यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखो मैंने कोई भी साइट नहीं लगाई है, ठीक है, कोई भी, सॉरी साइट बोल रहा हूँ, कोई भी अपना डोमेन नहीं लगाया। देखो मुझे सब डोमेन मिला हुआ है बिल्डर की तरफ से, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ और चाहूँ तो अपना कुछ भी लाइक फेसबुक सेटअप ebook.com ऐसा करके कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बिल्डर का ही यूज कर रहा हूँ, तो ये फायदा है बिल्डर में बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पर ओपन हो चुका है, अब जो भी आएगा यहाँ पर करेगा फिल करेगा एंड गेट इंस्टेंट एक्सेस पे क्लिक करेगा एंड ये काम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूँ इसको कंप्लीट करने से पहले, देखो तो यहाँ पर टैबलेट का भी है, इसका भी है, सबका सेटअप अपने आप हो जाता है और नहीं होता है तो आपको वैसे ही एडिट कर करके सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, अगर नहीं होता है तो आपको वैसे आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एडिट कर रहे हो ना कंप्यूटर के, वैसे ही हर सीक्वेंस में जाके आपको एडिट करना पड़ेगा, बट बहुत टाइम ऑलरेडी हो जाता है। किसी किसी टाइम कुछ एडजस्टमेंट है जो खराब हो जाते हैं, लाइक अभी यहाँ पर देखो ये 2020 कंपनी ऑल राइट्स रिजर्व जो है ये नीचे होना चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके बैक टू एडिटर में पहले क्लिक करूंगा मैं, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मोबाइल में जाके अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिट करने का, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे देखो डाउन किया, ये नीचे आ चुका है, ठीक है, ये ऊपर हो चुका है, तो अब ये ओके हो चुका है। तो ऐसे करके आपको कभी कभी कुछ कुछ चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑलरेडी एडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपका वन पेज वेबसाइट सेटअप हो जाएगा, ओटीपी सेटअप हो जाएगा एंड देन उसके बाद कल हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर भी आप कुछ अच्छा इमेज लगा सकते हो, और ये इमेज कब काम आता है मालूम है, जब आप कहीं पर शेयर करते हो ना तो ये इमेज दिखता है। जैसे कि अभी मैं ये यूट्यूब सीक्रेट है एक मेरा फनल, तो मैं इसको कहीं भी शेयर करूंगा तो ये यूट्यूब का आइकन दिखेगा, ठीक है। ये मेरा वेबिनार का है तो यहाँ वेबिनार का आइकन दिखेगा जहाँ पर मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ इमेज भी हम लोग कल लगाएंगे और मतलब नेक्स्ट पार्ट में लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसके साथ, मेल्स के साथ, और कैसे क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो गाइज अगर यहाँ तक आपने देख लिया है वीडियो को तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत जल्दी हम लोग को 20 के हिट करना है और 87% लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और जो हमारे पुराने मेहमान हैं वो प्लीज 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 लाइक करें वीडियो को, और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।